गाइज एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ संजना और आप देख रहे हो इंडियन ग्लैमर। तो गाइज, आपके ख्वाहिश पे मैं लेके आई हूँ पॉलीजेल नेल किट को कैसे यूज़ करना है, कुछ घंटों में आपके नेल्स कैसे लॉन्ग करने हैं और कैसे नेचुरल दिखाने हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक शो एंड सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना। सो गाइज, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके नेल्स के ऊपर जो भी बची खुची नेल पेंट है ना गाइज, उसे पहले उतार दो। यहाँ पे मैं कलर बार का नेल रिमूवर यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तुरंत कोई हार्ड से हार्ड नेल पेंट भी इससे इजीली निकल जाती है। इसके बाद आपको करना है, आपके जो भी लंबे नेल्स उसे एकदम अच्छे से कटिंग कर लेना है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, आपको अगर आप पॉलीजेल यूज़ करना चाहते हो तो आपको लंबे नाखून जो है आपके उसे कट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सारे नेल्स को मैं और भी अच्छे से काट लूँगी, मतलब एकदम डीप काटूँगी। ज़्यादा भी डीप नहीं काटना है जिससे आपके नेल्स में दर्द हो, नॉर्मली डीप काटना है गाइस। इसके बाद आपको एक नॉर्मल सिंपल सा बफर जो आता है उसे यूज़ करना है। आपके नेल्स के ऊपर जो भी नरिश वाला ऑयल रहता है, जो नेचुरल रहता है, उसे आपको रिमूव कर देना है और आपके नेल्स को एक अच्छा सा शेप दे देना है, एक सर्कल टाइप में आपके ऊपर है। पर आपको पॉलीजेल यूज़ करना है तो सर्कल टाइप में अच्छे से आपके नेल्स को जो है वो शेप दे दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जो है ये पिन पाई का बेस कोट जो है उसे मैं अप्लाई करूँगी। ये मैंने अमेजोन से कॉम्बो पैक लिया था, बेस कोट एंड टॉप कोट पिन पाई का लिया था, 600 के अराउंड मुझे मिल गया था। और इसके साथ ही मैंने जो बफर अभी यूज़ किया है, वैसे 6 बफर जो है अलग अलग डिज़ाइन में मुझे इस कॉम्बो के साथ मिले हैं। तो आने वाले अमेजोन हॉल में आपको वो भी देखने ज़रूर मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं बेस कोट जो है वो अप्लाई करने के बाद 1 या 2 मिनट तक मैं यहाँ पे यूवी लाइट जो आती है इसके अंदर ड्राई करने के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद आपके नेल्स पे कौन सी साइज़ एकदम परफेक्ट आती है उसे आपको लेके साइड में रखना है, जैसे कि नेल्स के बिल्कुल भी बाहर नहीं जानी चाहिए, एकदम परफेक्ट साइज़ होनी चाहिए। तो ऐसे सारे मैंने बाहर निकाल के रखे। इसके बाद यहाँ पे आपको ट्वीज़र उसके साथ मिल जाते हैं, जो मैंने पॉलीजेल नेल किट लिया था उसके साथ मुझे ये ट्वीज़र भी मिला और वो नेल शेप जो है वो भी मुझे मिले। तो यहाँ पे जो आपकी स्किन को है ना पीछे ढकेलना है, मतलब जो स्किन आपके नेल्स को एकदम अटैच हो जाती है ना, वो थोड़ी सी रिमूव हो जाएगी और पॉलीजेल लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो है आपको इस स्किन को पीछे के साइड आपको पुश करना है। इसके बाद मुझे ये ग्लास एंड ये पॉलीजेल नेल लिक्विड जो है ये भी मुझे उसी किट में मिला था। तो इस ग्लास के अंदर आपको थोड़ा हाफ ग्लास तलक ये लिक्विड निकाल लेना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पिन पाई का ही किट जो है पॉलीजेल का वो मंगाया था। इसके साथ मुझे बेबी पिंक और ये 005 वाला जो कलर है, ट्रांसपेरेंट करंट कलर, ये मैंने मंगाया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्वीज़र पे निकालूंगी, यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा निकाल लिया था, अब थोड़ा सा ही लेना। तो दोस्तों, यहाँ पे निकालने के बाद आपने जो नेल का शेप निकाल के रखा था उसके ऊपर आप उसे पूरा निकाल लेंगे। एंड यहाँ पे जो स्पैचुला मिला था उसके एक साइड में वो ट्वीज़र था और दूसरे साइड में ये ब्रश था। तो इस ब्रश को आपको उस लिक्विड के अंदर डिप करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा जो भी लिक्विड है उसे निकालना है और देन कॉटन के ऊपर टैप करके आपको इसे यूज़ करना है। तो आपको जो है इसे एकदम परफेक्ट शेप में शेप देना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे ना ही ज़्यादा थिन आपको लेयर लगानी है और ना ही ज़्यादा थिक लेयर लगानी है, एकदम मीडियम टाइप की जो लेयर जो है इसे आपको लगानी है। मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया था इसलिए नेल थोड़ा लॉन्ग हो गया था, पर कोई बात नहीं, लॉन्ग हो जाते तो आप उसे कट भी कर सकते हो जब नेल ड्राई हो जाता है। और पॉलीजेल जो है वो यूवी लाइट से ही ड्राई होती है, तो आपको एक एक्स्ट्रा यूवी लाइट भी ज़रूर खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है थोड़ा वीडियो के बाहर गया, इसके लिए सॉरी। तो आपको नेल्स के ऊपर रखना है एंड देन अंदर के साइड आपको इसे पुश करना है एंड बबल्स नहीं आने देने हैं। ये जो क्लचर है इसकी ज़रूरत तो नहीं है वैसे, पर फिर भी आपके पास अवेलेबल है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। एंड देन अगेन
जो भी एक्स्ट्रा पॉलीजेल है उसको अच्छे से आप शेप दे दीजिएगा एंड एक मिनट के लिए बस अंदर रख दो यूवी लाइट के अंदर। ये आराम से ड्राई हो जाएगा और ये यूवी लाइट के ऊपर भी मैंने अमेजोन हॉल बनाया है, ये कुछ 300 के अराउंड मुझे अमेजोन पे मिला था। ड्राई होने के बाद आपको इसे ट्विस्ट करना है और ट्विस्ट करने के बाद ये आसानी से ऊपर का जो फेक नेल था वो आसानी से रिमूव हो जाता है एंड आपका जो भी मतलब शेप है नेल का वो आ जाता है। इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना नेल्स रखने हैं, तो मेरे हिसाब से मैं मेरे नेल्स को कट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे पर्सनल वाला जो नेल कटर आता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल वाला भी नेल कटर यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों एकदम सावधानी से नेल कटना, एक साथ भी नेल नहीं कट कर लेना, थोड़ा थोड़ा करके नेल कट करना। यहाँ पे अगेन पिन पाए का ही यहाँ पे उस किट के साथ ही मुझे मिल गया था ये बफर, जो भी बहुत अच्छे क्वालिटी का है, अच्छे से बफ हो जाते हैं एकदम क्विक, ज़्यादा रफ करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। एक्स्ट्रा कॉर्नर से मैं इसे बफ कर लूँगी बिकॉज इसकी शेप जो है एकदम नेचुरल लग, तो मुझे मोस्टली स्क्वायर शेप बहुत ज़्यादा पसंद है और वही शेप में करूँगी। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको ट्राइंगल सर्कल टाइप शेप चाहते हो तो आप बफर से भी वो शेप दे सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ब्रश के हेल्प से मेरे नेल्स को अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये अलग सा बफर है जो मैंने बोला था टॉप कोट एंड बेस कोट के साथ जो है मैंने अलग से इसे मंगाया था, तो उसके साथ 6 बफर मुझे मिले थे तो उसमें से एक मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है नेल को मैं अच्छे से शेप दे दूँगी ऊपर से भी ताकि वो इक्वल लगे। तो दोस्तों अगेन मैं यहाँ पे जो है टॉप कोट रहता है पूरी प्रोसेस होने के बाद टॉप कोट हम लगाते हैं, यहाँ पे मैंने बोला था बेस कोट टॉप कोट एंड वो बफर मैंने मंगाया था तो वो यही वाला टॉप कोट है। ये जो है आपके नेल्स को एकदम ग्लॉसी दिखाता है और एकदम नेचुरल दिखाता है, तो आपको इसे आपके नेल्स के ऊपर अप्लाई कर लेना है एंड यूवी जेल के नीचे बस 1 मिनट तक इसे ड्राई होने देना है, ये तुरंत ड्राई हो जाता है। पर आपको यूवी लाइट की ज़रूरत गिरने वाली है, 300 के अराउंड है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों सारे नेल्स पे मैं सेम प्रोसेस करूँगी और अब आप फाइनल वाला लुक देख लेना डायरेक्ट। दोस्तों लास्ट वाली चीज़ है वो आपके नेल्स को नरिश करना, यहाँ पे नरिश ऑयल ले लेना है और आपके नेल्स के ऊपर नेल्स के जो कॉर्नर साइज है आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है बिकॉज आपके नेल्स अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी। पूरे प्रोसेस में आपके नेल्स के वजह से आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है तो उसको नरिश करने के लिए ये नरिश ऑयल लगाना ज़रूरी है। तो अब आपके नेल्स एकदम रेडी है, आप आपके मन चाहे पसंदीदा नेल पेंट लगाओ। अगर आप चाहते हो मैं इसके ऊपर नेल आर्ट करके दिखाऊं तो इस वीडियो को आने चाहिए 500 लाइक्स, तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके नेल्स के ऊपर नेल आर्ट करके दिखाऊंगी। गाइस बहुत मेहनत लगी है, 3 घंटे लग गए मुझे इस वीडियो शूट करने के लिए, पूरी प्रोसेस करने के लिए ये वीडियो है छोटी सी पर बहुत मेरे को मेहनत लगी है बिकॉज मैंने ऑफ कैमरा सारे नेल्स लगाए हैं। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।